पाकिस्तान एक अरसे तक हॉकी के मैदान में छाया रहा। ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स के तमाम टाइटल्स पाकिस्तान के पास रहे हैं और यकीनी तौर पर ये किसी भी टीम के लिए एजाज है। इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी और उनकी आला कारकर्दगी और टीम स्पिरिट के सबब जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। और इनमें एक नाम जो नुमाया है वो मुनीर डार का है। मुनीर डार ने 108 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 83 गोल्स किए। इसके अलावा उनका मुनफरिद एजाज ये भी है कि एक मैच में 5 गोल स्कोर किए, इसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। तेजी, फुर्ती, तंजीम और बेहतरीन खेल ने बर्तरी का फैसला कर दिया। आलमी चैंपियनशिप का एजाज फिर एक बार पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के हिमायती जीत की खुशी में सरशार नाचने लगे। टीम इनामात हासिल करने के लिए सफारा है। यके बाद दीगरे पाकिस्तानी खिलाड़ी विक्ट्री स्टैंड पर आ रहे हैं और चौथे एशियाई गेम्स में तिलाई तमगे हासिल कर रहे हैं। मुनीर डार न सिर्फ खुद एक आला खिलाड़ी थे बल्कि अपनी तरबियत और रहनुमाई से पाकिस्तान को तनवीर डार और तौकीर डार जैसे खिलाड़ी दिए। नहीं, यकीनी बात है, बड़े भाई से ही सीखा, उन्हीं की वजह से मैंने हॉकी शुरू की। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरी रहनुमाई की और मैं और ये 66 में ये टीम के कप्तान थे तो मैं उस वक्त पहली दफ़ा सिलेक्ट हुआ था तो यही टीम के कप्तान थे साथ। और फुल बैक मैं और ये दोनों, एक कीनिया का हमारा टूर था 66 का है। तो मैं और भाई बड़े दोनों फुल बैक खेले पाकिस्तान टीम की तरफ से। मैच से एक दिन पहले, क्योंकि मेरा पहला टूर्नामेंट पहला मैच था बाहर जाके पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलने का, तो रात को कीनिया में ठहरते जो हैं वो घरों में ठहराते हैं, वहाँ लोग जितने मुसलमान हैं वो दो दो प्लेयर या तीन तीन प्लेयर अपने घरों में, जैसा जहाँ घर का माहौल होता है उसी तरह वो अपने घरों में ठहराते हैं जी। तो मैं सुबह मैच से सुबह मैच था तो रात ये मुझे खुद अपने साथ ले गए। रात 12 बजे तक इन्होंने मुझे बताया कि भाई यूँ करना है, क्योंकि वहाँ मोहरम पे गेंद, वो बजरी ग्राउंड है तो बजरी की ग्राउंड पे उस वक्त हॉकी वहाँ होती थी। तो उन्होंने कहा भाई बेटा इस तरह करना है, ये तुम यूँ, सारे रात मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे। तो 12 बजे मुझे छोड़ा। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ तो शुरू शुरू 2-3 गेंद इन्होंने खुद लेके मुझे दिए कि लेके तुम आगे चलो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो अल्लाह का फजल कि वो हम टेस्ट मैच भी जीते। तो सुबह कीनिया के पेपर्स में यही लिखा था कि मुनीर से अच्छा जो है तनवीर कह रहा है। जब से होश संभाली हसन भाई तो घर में हॉकी के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होता था, क्योंकि वालिद भी हॉकी प्लेयर रह चुके थे, उसके बाद चाचा भी। तो एक तो कोई भी बच्चा हो कोई ना कोई खेल में तो दिलचस्पी लेनी होती है, और हमारे घर में तो पहले से ही हॉकी बात भी हॉकी में होती थी और हर चीज़ हॉकी में होती थी, तो इसलिए फिर हॉकी का शौक पड़ गया। और पेनल्टी कॉर्नर जैसे आपने कहा तो वो आप इनहेरिटेंस समझ लें या खून में समझ लें, तो वो जैसा कि वाले साहब लगाते रहे, फिर चाचा, फिर मैं लगाता रहा। हनीफ खान, सईद खान कह रहे हैं हनीफ के पास, मुश्ताक, मुश्ताक डी के अंदर अंपायर ने कहा पेनल्टी कॉर्नर, तरीके से चेक हुए उसकी वजह से अंपायर साहब तो ने पेनल्टी कॉर्नर दिया। खानदान में कई अफराद हॉकी में नुमाया हैसियत के हामिल हैं और बेशुमार ट्रॉफियां और मेडल जीते। पाकिस्तान की हॉकी का जो ग्लोरियस पास्ट है उसमें हमारी फैमिली ने जो गोल्ड मेडल्स या सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं उसकी तफसील बताता चलूं। मेलबर्न में खेला गया ये ओलंपिक गेम्स 1956 में,
पहला सिल्वर मेडल जो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जीता था और एक थ्रेट की सूरत में वो उभरी थी वर्ल्ड हॉकी में इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले इंडिया पिछले 8 ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। इसके बाद ये पहला वर्ल्ड कप जो 1971 में बार्सिलोना में मुनक्कद हुआ, उसमें मेरे मरहूम ग्रेट तनवीर डार जो कि हाईएस्ट स्कोरर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए थे और पेनल्टी कॉर्नर किंग थे उस वक्त के, ये उनका गोल्ड मेडल है बार्सिलोना में जो पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। इसके बाद ये उन्हीं का 1968 का मैक्सिको ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल, इसमें भी उन्होंने 5 गोल स्कोर किए थे और सेकेंड हाईएस्ट स्कोर थे पाकिस्तान की टीम की तरफ से। ये 1964 का सिल्वर मेडल जो मुनीर डार साहब ने टोक्यो में हासिल किया, ये 1966 का सिल्वर मेडल जो एशियन गेम्स में हासिल किया, ये 1972 का ओलंपिक सिल्वर मेडल जो तनवीर डार साहब ने हासिल किया, ये 1962 की एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराने के बाद हासिल किया था, और ये चैंपियंस ट्रॉफी के सिल्वर मेडल्स 1983 और 84 के, और इसके अलावा और काफ़ी सारे मेडल्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये उस अजीम हमारे हॉकी का पास्ट जो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अचीवमेंट्स किए हैं। खुश मिजाजी मुनीर डार की शख्सियत का हिस्सा है, आज भी वो हर महफिल की जान है, खा वो फैमिली की हो या दोस्तों की, उसे जाफरान जार बनाए रखते हैं। आजकल भी अपनी तमाम मसरूफियात के साथ साथ अमूमन अपने घर में पुराने खिलाड़ियों की महफिल लगाते हैं और अपने खूबसूरत माजी की यादें ताजा करते हैं। हम इसको सब चाचा कहते हैं, चाचा इसलिए कि इनका हम सब के साथ ये होता है, इनसे जो बड़े भी होते हैं ना उनको भी, और नहीं पुत्र गल कोई नहीं इस तरह का नहीं, तो हर एक को पुत्र करके बुलाना तो वो सब वो चाचा ही कहते हैं, तो उनमें भी इन्होंने कोशिश होती थी कि ये मुझसे छोटे हैं, मेरा वालिद ख्वाजा तारक के वालिद से छोटा था, जब बाहर जाते थे वो इनको सुपरवाइज करते थे, अब मैं इनका गार्डियन हूँ यहाँ, ऐसी बातें आम कर जाते थे। मुनीर डार 28 मार्च 1935 को अमृतसर में पैदा हुए, खेलों का शौक उनके खून में शामिल है, उनके खानदान के कई अफराद खेलों से वाबस्ता रहे, उनके वालिद ख्वाजा बशीर अहमद क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सिर्फ हमारा एक ऐसा खानदान है दुनिया में कि किसी कौम ने एक खेल में 3 गोल्ड मेडल जीते हों तो हर दफा जब गोल्ड मेडल जीता गया उसमें एक फर्द हमारे खानदान का खेल रहा था। कयाम पाकिस्तान के वक्त वो 7वीं जमात में थे, वो हिजरत करके लाहौर अपने खानदान के साथ बस गए, जो घर उनको अलाट हुआ वो दिल मोहम्मद रोड पर वाके था, और आज भी वो अमूमन उस इलाके में जाते हैं जहां उनकी पुप्पी सुगरा बेगम कयाम पजीर है। बचपन इन्हों का इतें ही गुजरिया, इस घर इतें ही फिर इन्हें बस हाकी भी सीखी तो फिर पढ़ाई का जो कुछ की पढ़िया भी माँ दिया बड़ी दुआवा ये कोई शक नहीं, सिर्फ तो सेहत शुरू होता से अपने उतने इस तरह वाकई शीशे भी तोड़ देने, जो आया अगे टुट गया कोई परवाह नहीं, हाकी चलती है इतने इतने अपने आप महल के जो बच्चे मुंडे सन समझो ये हान दे उन्होंने इतने लुडियां पाया तो ये नाच करने इतने गली के बीच मनीर डार आया जित के आया जित के आया बड़े रंग सन। इस घर से एक हॉकी निकली थी जिसने मुझे हॉकी प्लेयर बनाया एक्चुअली, और उस हॉकी को लेके मैं यहाँ ये जो ग्राउंड है यहाँ साथ दयाल सिंह कॉलेज के उसमें चला गया, ये वो जगह है जहाँ पर मैंने हॉकी शुरू की और खेली, अब ये वीरानी देख के हैरत हो रही है कि कौन हॉकी खेलेगा इस मुल्क में, यहाँ पर मेरे साथ वो सीनियर खिलाड़ी भी खेले हैं पाकिस्तान के, मसूद घोड़ा जो कि पाकिस्तान को रिप्रजेंट किया 48 में उन्होंने, और उसके बाद ख्वाजा असलम जो 52 में पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर चुके हैं, मेरे उस्ताद भी थे मसलुद्दीन जो पीटीवी से वाबस्ता रहे हैं मेरे मामू थे और वो इस कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, वो इस कॉलेज के कप्तान भी थे क्रिकेट के भी और हॉकी के भी और एथलेटिक के भी, तो बड़े नामवर खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुए हैं, और हाल इस ग्राउंड का आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ कोई खेलने वाला नहीं, घास का अंदाजा कर सकते हैं आप कि नोबडी कैन प्ले ऑन दिस पिच नाउ,
जो रोना आ रहा है इस ग्राउंड को देख के, इसकी हालत ज़ार को देख, क्योंकि ये मखमल की तरह ग्राउंड होती थी और सामने इसके जिमनेजियम में, वो सामने ये जिमनेजियम हुआ करता, जो सिर्फ आप एक शेल्टर देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते थे जो कि हॉकी को रिक्वायर्ड थे उस वक्त। तो ये हालात हैं। लाहौर में हिजरत के बाद गवर्नमेंट खजाना स्कूल में दाखिल हुए जो कि नासिर बाग के सामने ही था। वहां जाकर हॉकी खेलते थे अपने साथी खिलाड़ियों के साथ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर स्कूल को छोड़कर आठवीं जमात के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल चिश्तियां इस्लामपुरा में दाखिल हुए। वो कमरा है जहां पर हम फीसें जमा कराते थे और मास्टर यासिन शाह उसके इंचार्ज होते थे, वो स्पोर्ट्स के भी इंचार्ज थे। और आठवीं जमात के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि कटरा खजाना स्कूल में मैंने पास की, उसके बाद स्कूल छोड़ा मैंने इसलिए कि मुझे हॉकी टीम का कप्तान नहीं बनाया, गुलाम अदर भाई को बना दिया, जो कि बाद में चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे। तो मैंने वो स्कूल के साथ अपने साथ दो एक लड़के और ले आए अच्छे खिलाड़ी, तो इस स्कूल में नवीं मैंने दाखिला लिया और फिर मैट्रिक यहाँ से पास की। ये टेंथ ए थी इस क्लास, इसमें मेरे साथ ये चेयरमैन वापडा जो है इस तारक, वो भी मेरे साथ पढ़ते थे यहाँ, और उसका भाई खालिद जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो बड़े लायक लड़के थे। मैं ही मेरा ख्याल नायक था इनमें, वो बहुत लायक लड़के थे क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में मैट्रिक किया था, तो उन्होंने हाई क्लास और वो पंजाब में नंबर दो और तीन थे दोनों उस साल जब हमने मैट्रिक किया। जब प्रैक्टिस यहाँ करते थे, हमारे उस्ताद थे हाजा सलम जो रेलवे में स्पोर्ट्स के इंचार्ज भी थे, तो वो हमें बहुत मेहनत कराया करते थे। मुझे कहते थे कि तू पाकिस्तान प्लेयर, 1956 में तू पाकिस्तान की टीम में होगा। मैं कहता था मैंने 50 में हॉकी शुरू की है, 56 में कैसे आ जाऊँगा। कहते नहीं तुम ये मेहनत करो। वो सुबह हमें भगाते थे लॉरेंस गार्डन में जाके और इतनी मेहनत कराते थे, बड़ी भूख लगती। जब वापस आता था घर तो वालदा साहब, मेरी दो हमारे का घर में भैंसें थी, उसका सारा खूब सुबह मक्खन निकालते थे, वो इतना मक्खन होता था हमारे घर में। और पराठे वो जो डूंगा कहते हैं ना तवा, उसमें पूरा घी होता था, उसमें वो पराठे जैसे पूड़ा नहीं तलते, पूड़ा नवा वो बनाती थी दो में वो लेके, ऊपर इतना मक्खन, ऊपर शहद और मलाई, ये खाते थे। उसके बाद नमकीन चाय का एक प्याला और उसके बाद मुझे नींद आ जाती थी। 11 बजे तक बिल्कुल बेहोश, पता नहीं होता था कहाँ पड़ा हूँ। तो ये हमारी उस पर खुराक होती थी। अब तो आप खा नहीं सकते क्योंकि आप बर्न नहीं कर सकते इतना खाने के बाद। उस वक्त फिर मैं 12 बजे ग्राउंड में घुस जाता था, 4 बजे लोग खेलने को आते थे तो मैं 12 बजे तो 200 हिट पेनल्टी कॉर्नर की प्रैक्टिस करता था गोल के अंदर। इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज खेलों के मैदान में हरीफ थे। दोनों कॉलेजों के इंतजामिया